विकास और सचिन, आप ये बताएं सबसे पहले कि ये आपके हिसाब से सोनाली फोगट के साथ क्या हुआ? जितनी जानकारी आपके पास है, जो आप उनको पहले से उनके बारे में जितना जानते थे, उस सबके हिसाब से आपके अनुसार सोनाली की हत्या किसने की और क्यों? हेलो जी, बोलिए बोलिए। हेलो, मैं सुन सकता हूँ। ये सोनाली फोगाट जी की हत्या सुधीर सांगवान ने की है। आपके हिसाब से क्यों की है उनकी हत्या? हेलो सर, ये कोई प्रॉपर्टी का चक्कर भी हो सकता है और इसके पीछे किसी का हाथ भी हो सकता है हत्या करने में। उसने सोची समझी साजिश के तहत ही हत्या की गई है, क्योंकि पहले सोनाली फोगाट जी को चंडीगढ़ ले जाया गया, उसके बाद बॉम्बे से गोवा, ये सोची समझी चाल के तहत ही उनको गोवा ले जाया गया था। और उनको मतलब ड्रग्स या कोई मतलब जहरीला केमिकल पिलाकर उनकी हत्या की गई है। नहीं तो ये जो दोनों लोग हैं, शिवम और सुखविंदर, जिनको इस केस में अक्यूज्ड बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है, आपके हिसाब से उनका क्या कनेक्शन था सोनाली फोगाट के केस के साथ और इस मर्डर के साथ? सर, जो ये शिवम और सुखविंदर हैं, सुखविंदर तो इसके साथ था, सुधीर सांगवान के साथ गोवा गया था, और ये मतलब इसमें दोनों का हाथ था, सुखविंदर का और सुधीर का। और शिवम जो है यहाँ पे मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था फार्म पे, सोनाली फोगाट जी के फार्म पे जी। और इसके सुधीर सांगवान के कहने से ही वो मतलब लैपटॉप और मोबाइल, DVR और जरूरी दस्तावेज यहाँ से चुरा के ले गया था, नहीं ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। जो ये केस निकल के सामने आ रहा है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सोनाली फोगट का एक फार्म हाउस था गुड़गांव में, ग्रीन गुरुग्राम सोसाइटी में, टावर 4 सेक्टर 102 फ्लैट नंबर 901, और इसको सुधीर सांगवान ट्रांसफर करा रहा था अपने नाम पे। तो ये जो पूरा मामला है उसके बारे में आप क्या जानकारी? सर, सुधीर सांगवान ने 10-12 दिन पहले ही इस फार्म के मतलब दस्तावेज उसमें करवाए थे, मतलब ये किसी और के पास था पहले, मतलब जिस तरह कॉन्टेक्ट पे होता है, उसके बाद मतलब इसने हटवा दिया था और ये अपने फिराक में था कि इसको भी अपने उस पर चढ़वा के फार्म हाउस पे भी कब्जा कर ले। नहीं पर ये सारी चीजें तो कैमरे पे कैप्चर है ना सोनाली फोगाट जी की? जी, पर ये सारी चीजें तो कैमरे पे कैप्चर है, तो ये इतने कच्चे खिलाड़ी कैसे हो सकते हैं? अगर ये इनका मंसूबा था इसको इस तरीके से ड्रग करना, तो ये पूरा की ड्रिंक पिला रहा है, वो लेके जा रहा है, ये सारा तो कैमरे पे कह दे, ये तो खुद ही अपने आप को इनक्रिमिनेट कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं सर, कैमरे में तो कह दे इसकी मतलब, इसको पहले सोनाली फोगाट जी को इसने मतलब अपने पूरे कॉन्फिडेंस में लेके इसने परिवार वालों से अलग करवाया है सोनाली फोगाट जी को, परिवार वालों से बिल्कुल अलग कर दिया, ना ही किसी परिवार वालों से बात करने देता, ना ही किसी का फोन अटेंड करता, अगर फोन करते तो बोल देता कि मैडम नहीं है, बाहर गए हुए, और नंबर वगैरह सब डिलीट कर देता था फैमिली मेंबर्स के। पर क्यों, ऐसा क्या हुआ सोनाली और उनकी फैमिली के रिश्ते में जिसकी वजह से सोनाली अपनी फैमिली से दूर हो गई? सर, सोनाली फोगाट को फैमिली से दूर करने वाला मात्र एक बंदा है, सुधीर सांगवान, जिसने मतलब सोची समझी चाल के तहत प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की, इसलिए उसको फैमिली से दूर हटाना चाहता था, क्योंकि फैमिली मेंबर जब तक साथ थे तो वो सोच रहा था कि इनको मतलब कुछ भी नहीं कर सकता मैं, जब तक फैमिली मेंबर साथ है जब तक मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फैमिली मेंबर को सबसे पहले अलग करना उसकी सोची समझी चाल थी, ताकि वो मतलब अकेला मौके का फायदा उठाकर ये सब कुछ कर सके। तो सुधीर और सोनाली का कितने वक्त से रिश्ता था, कब से एक दूसरे को जानते थे, कैसे इन दोनों की जान पहचान हुई? ये 2019 में इलेक्शन के टाइम में आदमपुर विधानसभा का इलेक्शन था, उस टाइम में ये आया था, इसने पीए की भूमिका के रूप में आया था, और तब से ही ये मतलब पूरा 24 घंटे साए की तरह मैडम के साथ था। इसने मैडम को अपने फुल कॉन्फिडेंस में लेके ही परिवार वालों को अलग किया है, और ये सारा हत्या का जो इसने हत्या की है ये सोची समझी साजिश के तहत की है। नहीं, आप ये कह रहे हैं और हो सकता है कि ये बात भी सही है, लेकिन इसका आपके प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? सर, सबूत यही है, क्योंकि मतलब मैडम का कोई प्रोग्राम नहीं था गोवा का, कोई शूटिंग नहीं थी, वहां पे परिवार वाले गोवा पहुंचे तो वहां पता किया, वहां कोई शूटिंग नहीं थी, इसकी सोची समझी चाल
थी, इसको पहले मैडम को बॉम्बे चंडीगढ़ ले जाया गया, चंडीगढ़ से बॉम्बे लेके गया, और फिर सर इसने मतलब ड्रग्स और केमिकल पिलाया पानी की बोतल में, तो ये हत्या करने के प्रयास से इसने किया है, और मेरा 101% दावा है कि हत्या इसी ने की है, सुधीर सांगवान ने ही।